हेलो फ्रेंड्स, वाहियास्तु में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सूर्य ग्रहण दोष के बारे में और जानेंगे सूर्य राहु की युति बनती है सरकारी कामों में बाधा और सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य राहु की युति बनती है तो उसे सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण सातवें भाव में है तो सातवें भाव का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र का संबंध पति पत्नी के रिश्ते से होता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण सातवें भाव में स्थित है तो पति पत्नी में झगड़ा रहेगा, आपस में मतभेद रहेंगे, गृहस्थी के सुख में भी कमी रहेगी। इस तरह सूर्य ग्रहण जिस भी भाव में हो उस भाव से संबंधित फलों को बिगाड़ देता है। सूर्य का संबंध सरकारी कामों से होता है। सूर्य ग्रहण दोष के कारण हमारे प्रत्येक सरकारी काम में बाधा आती है क्योंकि राहु काम में रुकावटें पैदा करता है। सूर्य ग्रहण दोष के कारण सरकारी नौकरी पाने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण किसी भी जातक की कुंडली पर बहुत अशुभ प्रभाव डालता है। ऐसे जातक में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उसके पिता को कष्ट रहता है, उसका अपने पिता के साथ बहुत झगड़ा रहता है, उनके साथ मतभेद रहते हैं। ये थे सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।